हेलो चैंपियंस, वेलकम टू द मार्ग एकेडमी। आज फिर से एक सीरीज स्टार्ट किया गया है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें आपको एनसीईआरटी के बुक का, आप हमारे पास ये देख लीजिए, ये बुक्स हैं आपके एनसीईआरटी की बुक्स का। ट्रिग्नोमेट्री 8.1 आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक 8.1 से हम लोग एक एक सवाल को एग्ज़ाम ओरिएंटेड बाद में देखेंगे, पहले सीखेंगे हम लोग पूरे टॉपिक्स को, एक एक सवाल को आज से बनाना सीखेंगे, पूरे बुक्स को कवर करेंगे आपके कुछ दिनों में, उसके बाद जब बुक आपका कवर हो जाएगा तब हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट करेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड उसके बाद आपका MCQ वो भी हम कवर करेंगे, सारे बुक्स कंप्लीट बुक्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे क्या सवाल कहता है, इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल है आपका ABC जिसका बी पे राइट एंगल है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये साइड से इसका आपका 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन करना है आपको, यानी कि फाइंड करना है। ये हम पहला नंबर के सवाल को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, AB यानी एंड BC गिवन है, इसका हाइपोटेनस AC फाइंड नहीं है। तो हम सबसे पहले AC फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करेंगे, AC इज इक्वल टू, आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रूट अंडर। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर एंड इसके ऊपर में ये रूट अंडर हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 16 6 रिमाइंडर 1, 4 2 8 8 8 16 1 17 के 6 रिमाइंडर 1 2 4 1 5, ये आपका हो गया 24 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, अब रूट हो जाएगा ये। अब ऐड करेंगे 9 प्लस 6 15 के 5 रिमाइंडर 1 4 1 5, 12 के 2 रिमाइंडर 1, और ये आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो AC क्या निकल गया आपका, ये आपका 25 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं, आपका AC फाइंड हो गया है, अब हम आपको फाइंड क्या करना है। एक नंबर में पहला साइन ए, ये इस तरह के सवाल आपका MCQ में पूछा जाता है, या ये कंप्लीट पूछेगा तो 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछेगा, बहुत ही इजी है, देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले अब आपका एक चीज़ जानना जरूरी है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल होता है उसके अपोजिट का साइड्स को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। एंगल बी इज़ राइट एंगल एंड AC इज इट्स हाइपोटेनस। बट यहाँ पे AB एंड BC में परपेंडिकुलर कौन होगा एंड बेस कौन होगा, ये कोई फिक्स्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि हम किस एंगल को ले रहे हैं, हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसके बात कर रहे हैं, साइन ए की बात कर रहे हैं। तो ये आपका एंगल, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस एंड ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, आप क्या जानते हैं, P/H। साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो आपका परपेंडिकुलर क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है आपका 7, क्या है 7 बाय हाइपोटेनस क्या है, देख पा रहे हैं 25 सेंटीमीटर हम यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं, ये हाइपोटेनस है आपका, ये हो गया आपका आंसर। क्या चीज़ के लिए, साइन ए के लिए हो गया आपका ये आंसर, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉस ए का, कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है, हाँ बोलिए बोलिए क्या होता है, B/H, वेरी गुड, क्योंकि हमारा एंगल वही है तो हमको अभी एक्सचेंज नहीं करना है, ये B/H हो जाएगा। तो आपका बेस क्या है, 24 सेंटीमीटर, 24 बाय हाइपोटेनस क्या निकल गए हैं, 25 सेंटीमीटर, ये 25। तो आपका ये हो गया आंसर। ये वन नंबर का क्वेश्चन था, अभी हम लोग इसमें सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, साइन सी, वेरी गुड, साइन सी इज इक्वल टू व्हाट। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि जब आपका एंगल का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा, एंगल का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा तो ये बेस एंड परपेंडिकुलर इसमें भी चेंजिंग आ जाएगा। अब ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड ये आपका बेस हो जाएगा, आधार कहते हैं इसको हिंदी में। अब हम लोग क्या बात करेंगे, साइन सी, तो साइन सी क्या होता है, P/H। तो परपेंडिकुलर अब आपका हो गया 24 एंड हाइपोटेनस है 25,
ये हो गया आंसर। एंड उसके बाद क्या आपका कॉस सी, फिर हम लोग देखेंगे कॉस सी क्या होता है, ये बी बाय एच, तो बेस अब इसका 7 हो गया, 7 बाय हाइपोटेनस 25, ये आपका आंसर हो गया। तो ये सवाल यदि पूछा जाए आपको सॉल्व करने के लिए तो हम कंप्लीट इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, नहीं यदि एमसीक्यू पूछेगा तो आप समझ गए तरीका कैसे बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट इस सवाल को, इस तरह के सवाल कोई भी पूछे, कोई भी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस का कोई भी वैल्यू दिया हुआ रहे, कोई भी वैल्यू गिवेन हो, तो आप इन सभी चीज़ों को आप ऐसे करके बना लेंगे। क्या देखते हैं बुक्स में और भी इस तरह के कोई सवाल है क्या? हाँ है, बिल्कुल है, आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। हाँ थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा, तो शुरू करते हैं हम लोग। दूसरा सवाल आपका क्या कहता है, फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें क्यू राइट एंगल है, ये 12 सेंटीमीटर है, पी क्यू इज इक्वल टू एंड पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। तो इन वैल्यू को फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर, क्या फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्यू आर फाइंड करेंगे। तो क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे इस कंडीशन में देखेंगे अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो अब आपका क्या बन जाएगा, ये 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 144, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ये 5, ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में, ये बन जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं सवाल को, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है वो, हाँ टेन पी माइनस कॉट आर क्या बात है। तो टेन पी पहले सवाल में आपको क्या बताए थे, एंगल पे ये आपका फिक्स है कि हाइपोटेनस है, अब ये परपेंडिकुलर होगा या ये परपेंडिकुलर होगा, ये बातें डिपेंड करता है कि आप किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन बातों पे। तो हम क्या किसके बात कर रहे हैं, पी टेन पी, इन एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड ये बेस हो जाएगा, तो टेन पी इज इक्वल टू क्या होता है आपका पी बाय बी, इस कंडीशन में ये परपेंडिकुलर एंड ये बेस पी बाय बी यानी कि 5 बाय 12, वेरी गुड। तो क्या है यहाँ पे 5 बाय 12 माइनस कॉट आर, अब हम इस एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका एक्सचेंज हो जाएगा, अब ये पी हो जाएगा एंड ये बी हो जाएगा, वेरी गुड। तो क्या होता है ये बी बाय पी, बी बाय पी 5 बाय 12, 5 बाय 12 आंसर क्या आ गया 0। तो एमसीक्यू में ये सब सवाल पूछा जा सकता है, तो आप इसे रफ में करके आसानी से, चाहे तो आप इसे माइंड में भी कर सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब हम लोग मूव करते हैं 3 नंबर का सवाल, साइन ए, एक सवाल हम लोग देख लेते हैं, पहले बोर्ड मिटाते हैं, और जब तक हम बोर्ड मिटा रहे हैं आप तब तक यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहे, हम नहीं चाहते प्रिपरेशन में कोई डिस्टर्बेंस हो। तो इसलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, थर्ड सवाल क्या कहता है इसका, थर्ड सवाल कहता है इफ़ साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड कॉस ए एंड टेन ए, ये कितना अच्छा सवाल है देखते हैं। तो हमारे पास पहले गिवन क्या क्या है, यहाँ पे गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और आप जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है बताएंगे हमें कोई, पी बाय एच। तो आपको एक ट्रायंगल फॉर्मेशन करना है, पहले कंस्ट बना लेते हैं हम लोग एक ट्रायंगल, ये आपका है ए बी सी, एंड इस कंडीशन में हम एंगल ए की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस तो फिक्स होता है आप जानते हैं, 2 बार बता चुके हैं हम यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर क्या है इसका 3 यूनिट, ये क्या है
हमारे पास सेंटीमीटर वगैरह कहीं कुछ नहीं गिवन है, तो हम लोग इसको सिर्फ यूनिट लिखेंगे। एंड हाइपोटेनस आपका क्या है? 4 यूनिट। ये क्या है? सॉरी, ये नहीं, हाइपोटेनस ये है 4 यूनिट। अब आपको बेस फाइंड करना है। बी इज इक्वल टू क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट 16 माइनस 9 अंडर रूट। तो क्या बन जाएगा भाई साहब? ये रूट 7। क्या बन जाएगा ये? ये आपका हो गया रूट 7। तुम क्या देख रहे थे यहाँ पे? आपका बेस फाइंड हो गया यहाँ पे। बी इज इक्वल टू रूट 7, ये हो गया। अब आपको फाइंड क्या करना है? सबसे पहले कॉस ए। कॉस ए तो क्या होता है? बी बाय एच। तो इसका बेस क्या निकल गया? रूट 7। एच क्या है? 4 यूनिट। ये हो गया आंसर। एंड दूसरा सवाल है यहाँ पे आपका, टेन ए क्या होता है? पी बाय बी। तो पी क्या निकला इसका? 3 यूनिट। बी क्या है? रूट 7। ये हो गया आंसर। तो इस तरह के सवाल रहेगा तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर में, इसका क्या सवाल कहता है। हम एनसीईआरटी के एक एक सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? एनसीईआरटी के एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अब आपका एक और पैटर्न क्या है? गिवन है आपका 4 नंबर में, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 15 cot a इक्वल टू 8 है। तो फाइंड करना है आपको, फाइंड sin a एंड sec a। फिर से वही सवाल है, सेम सवाल है, कोई चेंजिंग नहीं है यहाँ पे। हाँ, हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। इसका ये ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आप जानते हैं हाइपोटेनस क्या होता है? फिक्स्ड होता है। हमारे पास गिवन क्या है? 15 cot a इज इक्वल टू 8। सो cot a इज इक्वल टू 8/15। कितना इजी सवाल है। तो आप जानते हैं कि क्या होता है ये? बी बाय पी, टेन पी बाय बी होता है, cot बी बाय पी उल्टा। तो आपका हम यहाँ पे एक ही बात कर रहे हैं, तो ये इस एंगल को, तो ये आपका परपेंडिकुलर एंड ये बेस हो जाएगा। बेस क्या है? 8 यूनिट है। क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर क्या है? 15 यूनिट है। तो अब आपको फाइंड करना है हाइपोटेनस। एस एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और ये आपका हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट, और ये हो जाएगा 225 प्लस 64 9 9 8 2 अंडर रूट, और अब आपका हो जाएगा ये 89। कितना बन जाएगा ये? 17 यूनिट हो जाएगा। तो आपका हाइपोटेनस फाइंड हो गया यहाँ पे 17 यूनिट। तो अब आपको फाइंड क्या करना है? पहला साइन ए। साइन ए तो क्या होता है? पी बाय एच। तो परपेंडिकुलर है आपका 15 यूनिट बाय एच 17 यूनिट, एक आंसर हो जाएगा। दूसरा है आपका सेक ए। तो सेक ए क्या हो जाएगा ये? बोलिए, उल्टा हो जाएगा ये। हाँ, एच बाय बी। क्या बन जाएगा ये? एच बाय बी। हाँ, तो ये क्योंकि कॉस होता है बी बाय एच, इसलिए एच बाय बी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका एच क्या है? 17 बाय बेस कितना है? 8 यूनिट। ये आपका आंसर हो गया 4 नंबर का। और इसके बाद हम लोग और भी इसके कुछ सवाल हैं, और कुछ सवाल को हम नहीं कवर करेंगे क्योंकि वो बहुत इजी है, टाइम वेस्ट होगा आप लोग का। तो हम लोग आगे देखते हैं सवाल को क्या होता है, और उसके बाद फिर से कुछ सवाल आपके लिए भी है। नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, एक्सरसाइज का नेम क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिए, उसका वीडियो फिर से बन जाएगा, फिर से बना करके हम अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चले। तो इसलिए हम इस पहले बोर्ड को मिटाते हैं। तो नेक्स्ट सवाल को हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज यहीं तक।
और हम आपको एक बताना भूल गए थे कि ट्रिगोनोमेट्री का जितने भी फॉर्मूला है, हाँ, चाहे उसका आपका टेबल हो, हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला हो, फार्मूला का डेरिवेशन कैसे होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का डेरिवेशन कैसे होता है, ये सारा का सारा वीडियो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, एंड दूसरा, प्लेलिस्ट में भी ये वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में ये वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ जा करके कंप्लीट वीडियो सीरीज को देख सकते हैं। एक एक करके कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री को ड्राइव किया गया है, हर एक फार्मूला को, फार्मूला कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, एवरीथिंग बताए हैं। टेबल का ट्रिक भी वो भी बताए हैं, टेबल का डेरिवेशन कैसे होता है, ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन वो भी बताए हैं। तो आप जा कर के कंप्लीट वीडियो को देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, कुछ भी समझ में, ऐसा नहीं हो कि समझ में नहीं आ रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं, हम चाहते हैं कि आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो ताकि बोर्ड में आप फोड़ सकें एग्ज़ाम को, क्वेश्चंस को फोड़ें, 100 out of 100 स्कोर आना चाहिए एग्ज़ाम में, हमको आपसे यही उम्मीद है। तो तब तक ले, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक में आप तैयारी कीजिए, फिर बहुत जल्द इसका सेकंड सीरीज, सेकंड वीडियो आने वाला है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू।